तो व्हाट्सअप गाइस, तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को कुछ इसी टाइप की फोटो को एडिट करना सिखाने वाला हूँ, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे केवल लाइटरूम ऐप की मदद से। तो जो भी भाई इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेगा ना, वो भी वीडियो के लास्ट में सेम ऐसा फोटो एडिटिंग कर ही लेगा। और मैं 110% लिख के देता हूँ कि आप ऐसा फोटो एडिटिंग कर लेंगे तो आप लोग वीडियो को कहीं पर भी स्किप मत कीजिएगा। बहुत ही जेन्युइन जानकारी इस वीडियो के अंदर आपका भाई बताया है। और वीडियो के लास्ट में आपका भाई कुछ टाइप की फोटो एडिटिंग वन क्लिक में भी एडिट करना सिखाने वाला है। तो वीडियो को आप लोग कहीं पर भी स्किप मत कीजिएगा। उससे पहले हम लोग क्या करेंगे ना, अपनी गैलरी से ओरिजिनल फोटो को लेंगे और लेने के बाद सिंपल से इसकी शेयर के आइकन पे क्लिक करके और इस वाली फोटो को हम लोग क्या करेंगे, लाइटरूम के अंदर शेयर कर देंगे। और मैं सीधे लाइटरूम ऐप को ओपन करता हूँ, वहां पे आपको सारी प्रोसेस समझाता हूँ। तो व्हाट्सअप गाइस, जैसे ही आप लाइटरूम ऐप को ओपन कीजिएगा तो आप लोग के सामने कुछ इस टाइप की इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो सिंपल से ऑल फोटोज के आइकन पे क्लिक करके अपनी फोटो को सिलेक्ट करके ओपन कर लीजिएगा जिसे आपको एडिट करना है। तो गाइस, इसी फोटो को हम लोग एडिट करने वाले और आपका भाई बहुत ही आसान तरीका बताने वाला है और वीडियो के एंड में वन क्लिक में भी एडिटिंग सिखा देगा। जो मैं टिप्स बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर ना, वो पूरे यूट्यूब पे आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा, आपका भाई पहली बार बता रहा है। तो वीडियो को आप लोग जरूर लास्ट तक देखिएगा। तो सबसे पहले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे ना, साइड में आपको एडिटिंग के बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। तो सबसे पहले इसकी लाइट वाले आइकन पे हम लोग क्लिक करेंगे और इसकी कॉन्ट्रास्ट की वैल्यू हम लोग ऐसे इंक्रीज करके प्लस साइड में 26% कर लेंगे और इसकी हाईलाइट की वैल्यू हम लोग थोड़ा सा ऐसे इंक्रीज करके प्लस साइड में 12% कर लेंगे। शैडो की वैल्यू भी इंक्रीज करके प्लस साइड में 30% कर लेंगे और इसकी व्हाइट्स की वैल्यू ऐसे डिक्रीज करके -32 कर लेंगे और इसकी ब्लैक्स की वैल्यू भी ऐसे कम करके -30 कर लेंगे। देन दोस्तों, ये सारी सेटिंग करते ही हम लोग का पहला स्टेप कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हम लोगों ने क्या किया ना, अपनी फोटो की लाइट को अच्छे तरीके से एडजस्ट किया। और सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करने वाले, इसी फोटो की कलर को करेक्ट करके एक बेहतरीन सी टोन को क्रिएट करने वाले हैं और वीडियो के एंड में आपका भाई वन क्लिक में भी एडिटिंग सिखाने वाला है। तो वीडियो को आप लोग जरूर लास्ट तक देखिएगा। इसके लिए हम लोग सिंपल से क्या करेंगे, कलर्स के आइकन पे क्लिक कर लेंगे। देन दोस्तों, क्लिक कर लेने के बाद सबसे पहले इसकी वाइब्रेंस की वैल्यू हम लोग इंक्रीज करके प्लस साइड में 46% कर लेंगे और इसकी टेम्प की वैल्यू भी इंक्रीज करके प्लस साइड में 12% कर लेंगे और इसकी टिंट की वैल्यू भी ऐसे डिक्रीज करके -6 कर लेंगे। देन दोस्तों, ये सेटिंग आप अच्छे तरीके से देखिएगा तभी आप फोटो को एडिट कर पाएंगे। सिंपल से गाइस, ये सेटिंग कर लेने के बाद ऊपर साइड में कोने में आपको मिक्स टूल के आइकन पे क्लिक करना होगा और जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो आप लोग के सामने ढेरों सारे कलर्स नजर आएंगे और इन्हीं कलर का यूज करके आपका भाई टोन को क्रिएट करने वाला है। तो आप यहाँ पे वीडियो को अच्छे तरीके से देखिएगा। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ से ब्लू कलर को सिलेक्ट करेंगे, इसकी सैचुरेशन की वैल्यू डिक्रीज करके -100 कर लेंगे। इक्वा ब्लू कलर को सिलेक्ट करेंगे, इसकी भी सिचुएशन की वैल्यू डिक्रीज करके -100 कर लेंगे। सिंपल से ग्रीन कलर को सिलेक्ट करेंगे, इसकी भी सिचुएशन की वैल्यू डिक्रीज करके -100 कर देंगे। ह्यू की वैल्यू भी डिक्रीज करके -100 कर देंगे। ल्यूमिनेंस की वैल्यू भी डिक्रीज करके -27 कर देंगे। देन दोस्तों, ये सारी सेटिंग आप अच्छे तरीके से देखिएगा तभी आप फोटो एडिटिंग कर पाएंगे, नहीं तो आप फोटो एडिटिंग नहीं कर पाएंगे। और एंड में आपका वही वन क्लिक में भी एडिटिंग सिखाने वाला। सिंपल से आप लोगों को क्या करना होगा, यहाँ पे येलो कलर को सिलेक्ट करके इसकी भी सिचुएशन की वैल्यू डिक्रीज करके -100 करना होगा। ह्यू की वैल्यू भी डिक्रीज करके -100 करना होगा। ल्यूमिनेंस की वैल्यू भी ऐसे डिक्रीज करके -27 कर लीजिएगा और अपने फेस वाले कलर को सिलेक्ट कीजिएगा जो कि हम लोग का ऑरेंज कलर होता है और इसकी सिचुएशन की वैल्यू ऐसे डिक्रीज करके -27 करके ल्यूमिनेंस की वैल्यू ऐसे इंक्रीज करके 6% करके और डन क्लिक कर दीजिएगा। देन दोस्तों, ये सारी सेटिंग कर लेने के बाद आपकी पूरी फोटो कुछ इस टाइप से देखने को मिल जाएगी। लेकिन गाइस, अभी हम लोग के फोटो के अंदर काफी सारी चीजें बाकी है, जैसे कि ऑरेंज कलर कैसे आप वन क्लिक में अपनी फोटो के अंदर डालेंगे, साथ ही उसमें ब्लू टोन भी रहेगा, फोटो को कैसे फुल एचडी करेंगे, एवरीथिंग जानकारी आपका भाई देने वाला है। तो वीडियो को आप लोग जरूर लास्ट तक देखिएगा। उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, मिक्स टूल के बगल में ग्रेडिंग के आइकन पे क्लिक करके और ऐसे यहाँ पे अपने फिंगर से शैडो वाले में आके और अपने फिंगर से पकड़ के थोड़ा सा इसे ब्लू साइड में ऐसे कर देंगे और कर लेने के बाद ऐसे स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, इसकी ल्यूमिनेंस की वैल्यू ऐसे कम करके -29 कर लेंगे। ब्लेंडिंग की वैल्यू ऐसे हम लोग यहाँ से इंक्रीज करके प्लस साइड में 85% और बैलेंस को भी हम लोग ऐसे इंक्रीज करके 19% करके और सिंपल डन क्लिक कर देंगे। और डन क्लिक कर लेने के बाद हम लोग की पूरी फोटो कुछ इस टाइप से देखने को मिल जाएगी। गाइस, कैसे आप अपनी फोटो के अंदर ऑरेंज टोन को डालेंगे आगे आपका भाई वन क्लिक में बताने वाला है, तो वीडियो को आप लोग देखते रहिएगा। उससे पहले हम लोग क्या करेंगे ना, सिंपल से इफेक्ट के आइकन पे यहाँ पे क्लिक कर लेंगे और इसकी विग्नेट की वैल्यू हम लोग ऐसे कम करके -26 कर लेंगे। मिड पॉइंट की वैल्यू भी ऐसे कम करके यहाँ से 0% कर लेंगे। क्लियरिटी की वैल्यू इंक्रीज करके 4% कर लेंगे। डी
प्राइस की वैल्यू भी इंक्रीज करके 4%, टैक्सर की वैल्यू भी इंक्रीज करके 4%। देन दोस्तों ये सारी सेटिंग करते ही ऑल टू ऑल आपकी पूरी फोटो कुछ इस टाइप से देखने को मिल जाएगी। तो गाइज अगर आप इतना सारा काम कर लिए तो एक स्टेप और आप वीडियो को देख लीजिएगा, जिसके अंदर आपका भाई ये बताएगा कि कैसे आप अपनी फोटो को फुल HD बनाएंगे, यानी कि डिटेल्स को कैसे अपनी फोटो के अंदर ऐड करेंगे। तो उसके लिए हम लोग सिंपल से डिटेल्स के आइकन पे जाएंगे, शार्पनिंग की वैल्यू इंक्रीज करके प्लस साइड में 30% कर लेंगे, मास्किंग की वैल्यू इंक्रीज करके 52%, नॉइस रिडक्शन की वैल्यू इंक्रीज करके 24%, देन दोस्तों इसकी कलर्स नॉइस रिडक्शन की वैल्यू भी इंक्रीज करके 18% कर देंगे, स्मूथनेस को 100% कर देंगे। और ये सारी सेटिंग करते ही ना ऑल टू ऑल आपकी पूरी फोटो कुछ इस टाइप से देखने को मिल जाएगी। गाइज अगर आप चाहते हैं ओरियन स्टोन को अपनी फोटो के अंदर वन क्लिक में डालना तो आगे आपका भाई बताएगा, और वन क्लिक में कैसे आप एडिटिंग करेंगे ये भी आपका भाई बताएगा, तो वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। तो उसके लिए हम लोग सिंपल से क्या करेंगे ना ऐसे स्क्रॉल करके ऊपर आएंगे, और ऊपर आने के बाद मास्किंग के आइकन पे क्लिक कर देंगे, प्लस के आइकन पे क्लिक करके ऐसे स्क्रॉल करके नीचे आइएगा, और कलर रेंज के आइकन पे आप लोगों को ऐसे क्लिक कर देना होगा, और आप लोगों के सामने कलर पिकर का ऑप्शन आ जाएगा। तो इसे आप लोग ऐसे पकड़ के अपने बैकग्राउंड में इसे ऐसे लगा लीजिएगा आपको जहां पे सुटेबल लगे। तो मैं यहां पे अच्छे तरीके से एडजस्ट करके लगा लेता हूं, और आप लोग भी ऐसे लगा लीजिएगा। मैं इसकी रिफाइन की वैल्यू ऐसे यहां से कम कर लेता हूं, कम करके 27% करके और अप्लाई क्लिक कर दूंगा, और कलर्स के आइकन पे जाऊंगा, और इसकी सैचुरेशन की वैल्यू मैं ऐसे इंक्रीज करके 100% कर दूंगा, और इसकी टेंप की वैल्यू भी इंक्रीज करके 100% कर दूंगा, और इसकी सैचुरेशन की वैल्यू भी 100% हो जाएगा। और नीचे आके ना कलर एज का एक ऑप्शन मिलेगा, तो ऐसे ही से पकड़ के मैं यहां पे ऑरेंज साइड में करके और राइट क्लिक कर दूंगा। और ये सारी सेटिंग करते ही ऑल टू ऑल आपकी पूरी फोटो एडिट होके आ जाएगी, जो देखने में काफी ऑसम सी लग रही है। सिंपल से आप लोगों को क्या करना, अगर वन क्लिक में आपको एडिटिंग करना है ना, तो सिंपल से इसी फोटो का प्रीसेट बना के मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वहां से प्रीसेट को डाउनलोड करके आप वन क्लिक में अपनी फोटो को एडिट कर सकते हैं। और इस फोटो को फुल HD में सेव करने के लिए शेयर के आइकन पर क्लिक करके सेव टू डिवाइस कर दीजिएगा, आपका फोटो गैलरी के अंदर सेव हो जाएगा।